ये वन विभाग कर्मचारी एकता यूनियन सीटू के द्वारा एक मतलब कह सकते हैं आंदोलन किया जा रहा है। किस उद्देश्य से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मैं दो शब्द पूछने की कोशिश करूंगा हमारी कार्यकर्ताओं से। सर जी बताइए, पहले तो अपना परिचय दीजिए। प्रकाश चंद बैरागी। और ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है? वन कर्मचारी संघ यूनियन सीटू। मैं इसका ये वन कर्मचारी सुरक्षा श्रमिकों का महासचिव हूँ। तो हमारे लिए क्या है, जब वेतन टाइम पे नहीं मिलता है और वेतन जो न्यूनतम दर से मिलना थी वो न्यूनतम दर से नहीं मिलती हुई, 4200 रुपये जब पहले मिलते थे उसमें से 1200 रुपये 3 दिन में, एक महीना काम कराते हैं और 3 दिन का 1200 रुपये देते हैं। इसमें विभाग की मतलब सबसे विशेष गड़बड़ी चल रही है, इसलिए हम आज यहाँ से रैली प्रदर्शन करके कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँचेंगे। उनके लिए वन मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद में उधर से लौटते समय अनिश्चित काल का धरना पे बैठेंगे यहाँ पर। ये कोई तारीख तय नहीं है कब तक धरना पे बैठेंगे, मतलब जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक बैठेंगे, जब तक धरना पे बैठेंगे। आप कितने ज्यादा कर्मचारी होंगे? हम मध्य प्रदेश में गुना जिले में 1000 या 1200 के लगभग हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश में ये आंदोलन किया जा रहा है जी। ये देखिए यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी बहुत ज्यादा नाराज हैं मामा जी की सरकार से। कारण है तनख्वाह नहीं दी जा रही है और तनख्वाह के नाम पर 3 दिन में 1200 रुपए काट लिए जाते हैं। वन विभाग के अधिकारी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जंगल को बचाते हैं, लेकिन देख लीजिए इनको सताया जा रहा है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने वाले हैं, आवेदन देने जा रहे हैं कलेक्ट्रेट में। इसके बाद क्या है, हमारे लिए 15 और 20 साल हो चुके हैं इसमें कार्यरत रहे, ना तो अभी तक हमारे लिए कोई अस्थाई से स्थाई करने का कोई कॉलम मामा ने सुना है। दुनिया के लिए मामा छप्पर फाड़ के दे रहा है, हम क्या उसके दुश्मन है क्या? सही बात, हमारे लिए क्यों नहीं दे रहा? सही बात है। और अगर नहीं देगा तो अभी जो आने वाले समय में मामा के लिए भी हम बता देंगे। ये देख लीजिए मामा जी को बताने वाले हैं वन विभाग के कर्मचारी। कारण है कब तक सहन करेंगे? इनको प्राइवेट सेक्टर पर रखा हुआ है, सरकारी नहीं बना रहे हैं, तनख्वाह के नाम पर लूटा जा रहा है। ये देखिए बहुत ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा काफी टाइम से ये लंबे समय से लगे हुए हैं। वीडियो को देखिएगा और खबर मेरे शहर की नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मैं दिलीप सिंह धागड़, कहाँ से? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए जी। जी जी, मामा जी से कहना चाहते हैं कि सब लोगों को जैसे हमारी भी मांग पूरी की जाए, जैसे हमको भी 10 साल 15 साल हो गए, हमको भी परमानेंट किया जाए ना, जैसे कि हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही, आज दिन तक कोई सुविधा नहीं मिली, ना कोई शासन से बीमा, ना कोई पीएफ, ना कोई भी लगे हुए हैं आपको 15 सालों से लगे हुए हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से सुविधा नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं मिल रही, तनख्वाह के नाम पर जीरो है, तनख्वाह के नाम पे और बिल्कुल सुनवे के नाम पे जीरो, और नौकरी पे लगा रखा है, नौकरी पर 24 घंटे हाजिर, जब भी 24 घंटे उनको वन विभाग के अधिकारी बहुत ज्यादा परेशान है। सब हमारे भी 8 महीना से कम तो वेतन नहीं मिली, पैसा मांगते नहीं घर बैठो। अच्छा ऐसा कहते हैं रेंजर साहब? कहते हैं क्या नाम है रेंजर साहब का? हमारे रेंजर साहब का बिसारिया मकसूद गढ़वा रहे इनका। क्या कहते हैं वो? घर बैठा रहता तुम्हें कोई वेतन नहीं है, खाते में आ रही है, अभी तक खाते में आ रही है लेकिन पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली से आ रही, भोपाल से आ रही, आगरा से आ रही है, अभी तक पेमेंट आ ही नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। 4 साल हो गए सब काम करते, 4 साल ना तो लिखित में नहीं कि तुम बैठ गए। ये देखिए किस तरह सताया जा रहा है वन विभाग के कर्मचारियों को, आप देख सकते हैं मामा के राज में लोग कितने ज्यादा परेशान। ये देखिए बैठिए बैठिए, मामा बहुत परेशान कर रहे हैं लोग। क्या क्या शुभ नाम है? सुविधा कुछ भी नहीं है। कहाँ से है? गुना से है। तो कौन ये नहीं वैसे प्राइवेट है हम तो। आप प्राइवेट है? काय में है? नहीं किसी में नहीं है, नौकरी नहीं करते। नौकरी नहीं करते हैं, क्या समस्या है? समस्या ये जनता की बहुत है, देखो रोड वगैरह कुछ भी नहीं है, गुना के अंदर रोड ही नहीं है, गड्ढे भरकर। चलिए मैं आपको अलग से कवर करूंगा। ये क्या है कि एक महीना काम करने के बाद में और 8-8 महीने हो जाते हैं, मानदेय टाइम पर नहीं आता है, और आता है तो ना के बराबर आता है। अभी हमारे कुछ साथीगण ऐसे हैं जिन्हें 8 और 10 महीना से अभी वेतन नहीं मिला है। फिर पर परिवार कैसे चलाते होंगे? और हाँ तो जब इनके बच्चे वो भूखन मरने की नौबत आ रही है, मजदूरी करने के कहीं पर रहे नहीं, जब ये वेतन मांगते तो अधिकारी कहते हैं घर बैठ जाओ, बजट खत्म हो गया है। उनका बजट कभी खत्म नहीं होता है क्या?
अधिकारियों का देख लीजिए। बजट हर तीन माह में आता है, बजट जा कहाँ रहा है वो? सही बात है, सही बात। समिति खाते में कम से कम दो दो तीन तीन लाख रुपए हैं उस समिति खाते में। समिति खाते से निकाल देने का पेमेंट किया जाए ना, देख लीजिए। और मैं यहाँ के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करूंगा। बताइए, पहले तो आप बताइए कहाँ से हैं? आरान रेंज से हैं साहब। ऐसे मान लो हमको आठ आठ नौ महीने होगा वेतन नहीं देते हैं, और रेंजर साहब, डिप्टी साहब और बीट गार्ड हम पे बिल्कुल दस्तखत करवा लेते हैं भाउचरों पे बिन पे, और वो पैसा का पता कहाँ से कहाँ देते हैं? आठ महीने तनखा नहीं जाता, कह रहे धमकी देकर हमको भगा देते हैं। वो हमारे बाल बच्चे परेशान, हम खुद परेशान साहब, क्या खाँ क्या नहीं खाँ। बहुत ज्यादा परेशान है आप लोग, कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन सी जगह से आए हैं आप बताइए थोड़ा सा। आरंभ की रेंज की समस्या है, आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। गुना रेंज नर्सरी से हूँ सर मैं। मुझे 13-14 साल हो गए, ना तो टेम पर वेतन मिलता है सर, और अधिकारियों से बोलने पर उल्टी धमकी मिलती है हमें सर, कि मतलब अगर तुम हमसे बोलोगे तो हम तुम्हारे बाउचर भी नहीं बनाएंगे, और बाउचर में जितना हमें मानदेय देना चाहिए उससे बहुत कम देते हैं, और आए दिन धमकियां भी देते हैं, और उल्टे सीधे बाउचरों पे दस्तखत भी करवा लेते हैं सर हमसे। ये देख लीजिए मामा की सरकार, और मैं कर्मचारी कितने ज्यादा परेशान है। आए दिन खुद ही अधिकारी छुट्टी भी मनवाते हैं हमसे खुद ही, कि मतलब मना छुट्टी जो उनका अलग से कुछ होता होगा। देखिए कर्मचारी कितने ज्यादा परेशान हैं, और मामा जी बार की तरह योजनाओं में पैसे बहा रहे हैं। ये देखिए दूर दूर से गांव से निवासी कहाँ से बताइए, थोड़ा सा नाम बताइए अपना। ऐसा है कि अब उम्र हमारी पूरी होने जा रही है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह परियार है। कहाँ से है? ग्वालियर से। हाँ, यहाँ ये इस आंदोलन में आए, और आज दिनांक तक हमको कोई छुट्टी नहीं मिलती सरकारी, ठीक है, न कोई हमारे लिए सुविधा है, और वेतन वगैरह तो सही से नहीं जाता। आप भी वन विभाग में हैं? आप वन विभाग में हैं, तो अमानेंट की कोई सुनता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा परेशान है कर्मचारी, क्या मसला है? मैंने देखा है आपको, बहुत तो गांव के लोग जिम्मेदारियों में आगे करते हैं। नाम बताइए अपना। हरी सिंह राजपूत। कहाँ से हैं? बांसगेड़ी। बांसगेड़ी से आए हैं, वन विभाग में कार्य करते हैं। 2001 से वन विभाग में कार्य करता आ रहा हूँ। कैसी क्या सुविधाएं मिली हैं? कच्चू सुविधा, इलाज के तक पैसे नहीं मिले। इलाज के तक पैसे नहीं मिले, इलाज के तक मुड़िया सताया जा रहा है आपको। मुड़ियागढ़ पे अतिक्रमण हटाने में मेरे जैसी मशीन लगी थी, 40,000 रूपए मैंने रकम रख के मोड़ा हारी लगा के मैंने इलाज करवाया, वो वन विभाग से कोई राहत नहीं मिली, एक रुपए की राहत नहीं मिली। और मैं लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, बताइए कहाँ से हैं? मैं 2004 से अनुसंधान में काम कर रहा हूँ। आप भी वन विभाग से हैं? वन विभाग का अनुसंधान। तनखा वगैरह कैसी मिलती है? तनखा मिल रही है, लेकिन हमारा नियमितीकरण नहीं हो रहा था। 19 साल प्राइवेट सेक्टर में पड़े हुए हैं। बनती है बताइए मुझे, कहाँ से बनती है? कहाँ के सेक्टर से बनती है? गुना से बनती है? कहाँ से बनती है? बिनागंज रेंज से बनती, गुना से। आप मेरा नंबर ले लीजिए, जब आपकी तनख्वाह बने तो मुझे बुलाइएगा। जिसे बाउचर पे साइन कराने के बाद मैं सवाल करूंगा बाकी अधिकारियों से। 15-20 सालों से लगातार सेवा दे रहे हैं, 8-8 महीना से वेतन नहीं दे रहे साहब। 8 महीना से वेतन नहीं मिली राजा, रोते रोते फिर रहे हैं साहब। 15-20 साल हमको काम करते हैं साहब, वन विभाग में ज्यादा जन धमकी देते हैं। मैं हूँ साहब, हमीर करते हैं, मन मेरा नाम है, आपको सताया जा रहा है। चलिए बताइए, सर मन्ना मेरा नाम है, वेतन नहीं मिला है, 8 महीने से वेतन नहीं मिला है अभी तक। वन विभाग के अधिकारियों को फोन आया था आधी रात को। अच्छा अच्छा, आपको फोन करते हैं, आग बुझा दे आधी रात। और तनखा के नाम पर क्या क्या देते हैं? पूरी ऐसे। धन्यवाद।